आज हमारे साथ हैं रेड क्रॉस से डॉक्टर शैली महाजन। इनसे हम जानेंगे कि आज ये रिहाड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में जो इन्होंने आज आई हैं, क्या है इनका मेन रीज़न। सर, थैंक यू सर। सर, मैं इस मोटिव से यहाँ पे आई हूँ। नोबडी हैज़ टोल्ड मी टू कम हेयर। एक्चुअली दिस इज़ माई सेल्फ ओन इनिशिएटिव टू कम हेयर एंड टू गाइड द चिल्ड्रन ऑफ 9th, 10th, 11th, 12th स्टूडेंट्स अबाउट देयर फिजिकल, इमोशनल एंड प्रॉब्लम्स जो होती हैं एज अ एडोलेसेंट टीनेजर। सो वी विल बी मोस्टली कंसंट्रेटिंग ऑन दोज टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेट ऑफ लाइफ। एक्चुअली क्या है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट अबाउट द टीनेजर्स, एकेडमिक करियर्स को चूज़ करने में जो दिक्कतें होती हैं, इंटरनल पेरेंट पीयर प्रेशर होता है जो, उसको लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे। रिप्रोडक्टिव एंड सेक्शुअल हेल्थ के बारे में बच्चों की, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द यंग गर्ल चिल्ड्रन एक्चुअली, बिकॉज सोसाइटी में सो मेनी थिंग्स आर प्रेवलेंट कि बच्चे हमारे आजकल एस्ट्रे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हैज़ टू रोल्स एक्चुअली, इट इज़ अ पॉजिटिव ऑल्सो, इट हैज़ नेगेटिव ऑल्सो। लेकिन बच्चे जब इंडिविजुअसली यूज़ करते हैं तो देन दे गो टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड विच वी हैव टू मेक देम अवेयर एक्चुअली। सो दिस वॉज आर मोन मोटिव टू मेक देम, हाउ टू मेक देम गुड ह्यूमन बींग्स बेसिकली। इफ दे आर गुड ह्यूमन बींग्स इन लाइफ दे कैन फेस एनी चैलेंज वेन एवर दे गो आउट ऑफ देयर प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट ऑफ द हाउस। तो दिस इज माई मोटिव ऑफ कमिंग ओवर हेयर एंड नोबडी हैज़ टोल्ड मी, दिस इज माई सेल्फ इनिशिएटिव। आई जस्ट फेल्ट द नीड कि ये सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है और आई केम हेयर। तो मैम, ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है, तो इस पर जो है आपका मेन जो थ्रस्ट किस पे रहेगा? हमारा दो चीज़ों पे रहेगा। एक तो है कि हाउ टू मेक द चिल्ड्रन बेसिकली हेल्दी। आजकल के जो गर्ल्स हैं देयर इज नो स्टेमिना, ठीक है, वी हैव टू टीच देम। अगर अवेयरनेस नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि हाउ टू गो अबाउट इट। और नेक्स्ट इज़ कि हाउ टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। डे टू डे लाइफ में उनको स्ट्रेसेस होते हैं, एकेडमिक चूज़ करने में, करियर चूज़ करने में, फिर पेरेंट्स की कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए वी प्रिपेयर्ड दिस प्रोग्राम एंड लेट्स सी हाउ इट मूव्स। तो होप, तो आपको लगता है कि जैसे जो इनिशिएटिव आपने लिया बाकी स्कूल्स में भी यही होना चाहिए, क्योंकि ये इट्स अ नीड ऑफ द आवर। या इट इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड आई थिंक इमोशनल बैलेंस होना, इमोशनल कोशेंट कहते हैं आजकल ये कॉरपोरेट कंपनीज में, इमोशनल कोशेंट इज़ वन थिंग विच इज़ जस्ट। सो ये होना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक इफ एवरीबडी सपोर्ट्स अस सो वील बी डूइंग इट फ्रीक्वेंटली। थैंक यू सो मच। भूमि, आज बताएं रेड क्रॉस की टीम आपके स्कूल में आई है, क्या रीज़न है क्यों आए हैं? रेड क्रॉस की टीम हमारे स्कूल में, जैसे बच्चों को इस मतलब इस एज में, अडल्ट एज में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वो गुजरते हैं तो मतलब अपनी पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब शेयर नहीं कर पाते हैं। तो रेड क्रॉस की टीम, डॉक्टर्स की टीम हमारे यहाँ पे स्कूल में आई है कि हमसे मतलब एक एक बच्चे से इंटरेक्ट करके वो हमारी प्रॉब्लम्स जान सके, जो स्टडीज़ के थ्रू है, स्पोर्ट्स, मतलब ऑल दैट जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं उसके थ्रू वो जान सके। तो हमें मतलब क्वेश्चंस कर रहे हैं और अभी भी मतलब क्वेश्चंस चल रहे हैं, सब बच्चे उनसे डॉक्टर जी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो भी हमसे शेयर कर रहे हैं, हमें हमारी हेल्प कर रहे हैं जिन क्वेश्चंस से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। आपको लगता है कि अच्छी इनिशिएटिव है और ऐसे वर्कशॉप्स होने? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि मतलब आजकल बच्चे इतने ज़्यादा स्टडिंग में हर जगह बिजी हो जाते हैं कि वो डॉक्टर्स के पास पर्सनली जाके इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स गुड कि वो हमारे स्कूल में आके ये सब हमें मतलब इन असेंबली टाइमिंग हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और हम भी मतलब बिना कंफर्टेबल होकर उनसे सब कुछ शेयर कर रहे हैं। तो आपने क्या लाइफ में कभी पहले ऐसी वर्कशॉप अटेंड की है जिसमें आपको इतना पर्सनल आपको? नहीं, नो, नेवर। इट्स फर्स्ट कि हमने इतने अच्छे डॉक्टर्स मिले और हमने उनसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट किया और वो कंफर्टेबली हमसे सब कुछ शेयर करें और हम भी उनसे कंफर्टेबली पूछ रहे हैं, और आई विश कि वो नेक्स्ट टाइम भी आए और ऐसे वर्कशॉप हो हमारे स्कूल में। काफ़ी अच्छा गाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमें पता है कि रेड क्रॉस हमारी ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करती है, वैसे ही ये हमें वैसे ही रेड क्रॉस की हर जगह स्प्रेड करते हैं ये कि वो क्या फंक्शंस हेल्प करती हैं और कैसे वो स्टूडेंट्स एंड डिसेबल्ड पर्सन्स को हेल्प करती हैं।
एज ए रिलेटेड टू डिजीजेज एंड देयर हेल्थ. सो ये भी वही बता रहे हैं कि कैसे अगर स्टूडेंट्स को कोई भी, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है स्टूडेंट्स में, जैसे कि डिप्रेशन, माइंड ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन स्टूडेंट. सो ये सब चीज़ें गर्ल्स के साथ स्पेशली शेयर कर रहे हैं कि कैसे वो हमें अपनी बात बता, हम उन्हें अपनी बात बता सकते हैं क्लियरली विदाउट एनी हेजिटेशन, और वो हमारी हेल्प कर सकते हैं. आपको लगता है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट तो नहीं वैसे रेड क्रॉस ने अपने लेवल पे लिया है, तो आपको लगता है कि अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसा होना चाहिए हर स्कूल में? हाँ, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी जो इनिशिएटिव है वो लेती है, वैसे ही रेड क्रॉस ने अगर ये इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो ऑब्वियसली ये अच्छा ही है, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए है और बच्चों के लिए खास करके, जो कि जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द हमारी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, सो यूथ के लिए काफ़ी बेस्ट इनिशिएटिव है ये. मैं तो कहूँगी ये जो प्रोग्राम रखा गया है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि सबको पता है कि सबको प्रॉब्लम होती है, तो मतलब लेकिन गर्ल्स और जो लेडीज़ वगैरह है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, तो ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रखा गया है जहाँ हम अपनी बात रख सके और वो भी हमें अपनी बात बता सके, एक दूसरे की बातें जानकर ही हम एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बता सकेंगे, और ये सब लोग बहुत फ्रेंडली है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है, जिसकी वजह से हमें भी अपनी मतलब बात रखने में कोई हेजिटेशन नहीं आएगी, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है. ऐसी ही और खबरों के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप देखते रहिए NH1 न्यूज़.